हेलो एवरीवन, आज हम सेकेंड ईयर का करेंगे होम मैनेजमेंट का एक टॉपिक जो कि है गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक, यानी गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक मूल्य, लक्ष्य और स्तर, यानी मोटिवेशनल फैक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट, वैल्यूज, गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स। इनको मोटिवेशनल फैक्टर्स क्यों बोला गया है कि जब हम गृह व्यवस्था करते हैं या होम मैनेजमेंट जब हम करते हैं तो ये तीनों फैक्टर्स जो है ये हमारे मैनेजमेंट को, हमारी व्यवस्था को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं, इसलिए इनको पढ़ना अति आवश्यक होता है। ये जो वैल्यूज़, गोल्स और स्टैंडर्ड्स हैं ये हमारे जो है जीवन के अंदर, जब आप किसी भी चीज़ को आप जब है मैनेज कर रहे होते हैं या किसी की व्यवस्था कर रहे होते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो ये सब कॉन्शियसली आपके उस मैनेजमेंट को ज़रूर प्रभावित करते हैं। तो हम आज इस चैप्टर में थोड़ा सा देखेंगे कि ये वैल्यूज़, गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स या मूल्य, लक्ष्य और स्तर क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मूल्य, या हम इन तीनों को जो है थोड़ा सा सरल शब्दों में समझते हैं। सबसे पहला है मूल्य, ये क्या है? यह अनिश्चित और आत्मगत होता है। उदाहरण के तौर पर ये अनिश्चित और आत्मगत, अनिश्चित कैसे होता है कि हमारे मूल्य, जैसे कि मैं ईमानदारी को मूल्य देती हूँ, ठीक है, मैं जो है समय पे काम करने को मूल्य देती हूँ, है ना। ये हमारे अपने आत्मसात किए हुए, हमें कोई फोर्स नहीं करता है, लेकिन हमारे हर काम के अंदर हमारे मूल्य झलकते हैं, है ना। आपने देखा होगा कुछ लोगों का, चाहे कोई देख रहा है चाहे नहीं देख रहा है, लेकिन वो ऑनेस्टली अपना काम करते हैं, तो ऑनेस्टी उनका मूल्य है, ठीक है। और आत्मगत होते हैं माने ये हमारे अंदर ही होता है, कि कभी हमें कोई काम दिया जाता है तो ये उसके साथ में ये एडिशनल वो नहीं दिया जाता कि इसको आप इस मूल्य के साथ में करेंगे या इसको आप इस मूल्य, ये हमारे अंदर ही होता है और हम इसको हमेशा सब कॉन्शियसली या कॉन्शियसली हम अपने मूल्यों को अपनी व्यवस्था के अंदर अप्लाई करते हैं। दूसरा है आपका लक्ष्य, लक्ष्य या गोल, है ना। जब भी कोई आप अपना काम करते हैं या कोई आप व्यवस्था करते हैं, आप मैनेजमेंट करते हैं, गृह प्रबंध करते हैं, तो आपका कुछ ना कुछ गोल होता है। हमारे जो गोल है या हमारे लक्ष्य जो है वो हर समय अनवरत चलते रहते हैं या कंटिन्यूस हमारे जो है लक्ष्य रहते हैं। कभी भी हमारे लक्ष्य जो है हम कहेंगे कि समाप्त नहीं होते कि आज की तारीख में मेरे जो है ये सारे लक्ष्य मेरी ज़िंदगी के ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं होता। आज आपने एक लक्ष्य या गोल जो है वो अचीव किया है तो उसके दूसरे ही पल जो है एक नया गोल आपके सामने आ जाता है ना। हम सब कॉन्शियस माइंड में अभी मुझे ये करना है, इतने बजे तक ये करना है, या मुझे इस महीने ये करना है, या नेक्स्ट ईयर मुझे जो है यहाँ पढ़ने जाना है, ठीक है। तो ये हमारे गोल जो है ये कंटिन्यूसली नए नए गोल जो है वो हम अपनी लाइफ में बनाते रहते हैं। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है, अच्छा लक्ष्य को मैं थोड़ा सा एक बार रीड आउट करना चाहूँगी। यह मूल्य की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है। अधिक स्पष्ट कैसे है? मूल्य आपके दिखाई देते नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आइडेंटिफाई करेगा कि आप बहुत ऑनेस्ट हैं, आपका मूल्य ऑनेस्टी है, तो वो आप ऑनेस्ट हैं, ठीक है, ये उसके परसेप्शन पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा, जो आपके जो लक्ष्य है वो एविडेंट है, या आप बता सकते हो या आप उसको करके दिखा सकते हो कि ये मेरा लक्ष्य था, मैंने अचीव कर लिया, या यहाँ तक जाना मेरा लक्ष्य है, तो ये कंपैरेटिवली अधिक स्पष्ट होते हैं और यथार्थ में यह ग्रहण करने योग्य वस्तु, अंत या उद्देश्य है, ठीक है, कि हम यथार्थ में इस चीज़ को जो है ग्रहण कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपका उद्देश्य था कि मुझे इतने परसेंट मार्क्स तो लेकर आने ही थे और आप उसके आसपास ले आते हैं या उससे ज़्यादा ले आते हैं, तो आपने ये यथार्थ में करके दिखा दिया कि ये मेरा लक्ष्य था और देखिए मैंने अपना लक्ष्य अचीव कर लिया है, ठीक है। इसके बाद है स्टैंडर्ड्स या स्तर। स्टैंडर्ड क्या है? ये तुलना का आधार है। मूल्यों तथा लक्ष्यों की अपेक्षा ये अधिक स्थूल और व्यवहारिक होता है। देखिए स्तर क्या है कि इसका, इस चीज़ का लेवल ये है, इसको इस लेवल पर जाकर समझाना पड़ेगा, इसकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल ये है। तो हम कहीं ना कहीं लेवल से जो है चीज़ों को कंपेयर करते हैं या उनको नापते हैं या उनको तोलते हैं किसी पर्टिकुलर स्तर से या स्टैंडर्ड से, ठीक है। तो हमने, हमारा जो है देखिए मूल्य क्या है? ऑनेस्टी।
मेरा गोल क्या है कि मुझे इतने परसेंट मार्क्स लाने हैं, तो मुझे ईमानदारी से पढ़कर इतने नंबर लेकर आने हैं। और स्तर क्या है कि मैं अपने ईमानदारी का स्तर क्या रखूंगी, कि मैंने ये डिसाइड किया है कि मुझे कोई देखेगा कि नहीं देखेगा, लेकिन मैं 5 घंटे या 10 घंटे या 8 घंटे डेली जो है पढ़ाई करूंगी, ठीक है। तो मैं अपना एक स्तर बना लेती हूँ, एक लेवल बना लेती हूँ और एक डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे इस लेवल पर जाकर जो है अपने नोट्स तैयार करने हैं, ऐसी मुझे पढ़ाई करनी है जिससे कि मुझे इतना परसेंट मार्क्स जो हैं प्राप्त हो सके, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे, पढ़ेंगे इन तीनों को अलग अलग आप डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे थोड़ी सी मूल्य के बारे में। मूल्य की एक परिभाषा पढ़ती हूँ मैं। निकल एंड डॉर्सी के अकॉर्डिंग मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाला कारक है। हमारा जो व्यवहार है उसको प्रेरणा प्रदान करता है कौन? मूल्य। प्रेरणा कैसे प्रदान करता है कि आप मान लीजिए कि आप काम को बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से जांच परख कर या बहुत ऑनेस्टली जो है आप किसी चीज़ को करते हैं, तो ये जो है मेरे काम को प्रेरणा देता है कि मैं, मुझे कोई कहेगा अरे आप चलो आप तो बस कर दीजिए, इसको काम को होना चाहिए कैसे भी करो, ठीक है। पर अगर मेरा मूल्य है ऑनेस्टी, तो मेरा मोटिवेटिंग फैक्टर क्या रहेगा? ऑनेस्टी। मैं उस काम को कैसे करूँगी? जिस तरीके से वो काम सही प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं हमारे कामों को करने के लिए। फिर वही न्याय विवेचन और विश्लेषण करने हेतु आधार प्रदान करते हैं। हम किसी चीज़ के साथ में जस्टिस करते हैं तो हम कैसे करते हैं? हम अपने मूल्यों के आधार पर उस चीज़ के साथ में या उस इंसान के साथ में या उस सिचुएशन के साथ में जस्टिस करते हैं, ठीक है। मेरे जो मूल्य होंगे मैं उसको आधार बनाकर अपना जो डिसीजन है या अपना जो हम कहेंगे कि मेरा जो एक मैं सोच बनाऊंगी या कहीं पर मुझे कोई जजमेंट देना है तो मैं उसके आधार पर दूंगी जो मेरे मूल्य है। अगर मेरे मूल्य ऑनेस्टी नहीं है तो मैं कहूंगी कोई बात नहीं, ऐसा होता है, जाने दो यार, सब लोग ऐसा करते हैं तो ऐसा करने दो, ठीक है, या मैं उसको नज़रअंदाज कर दूंगी। वहीं पर अगर मेरा मूल्य ऑनेस्टी है तो मैं ऑनेस्टी को दिमाग में रखते हुए कि नहीं, इसने ये काम यहाँ पर सही नहीं किया, इससे इतने लोगों का नुकसान हो सकता है, तो वो मेरा मूल्य नहीं है। मेरा मूल्य क्या है? ऑनेस्टी। तो मैं उसको किस तरीके का एक अलग प्रकार का जजमेंट उसको दूंगी। फिर है जिससे कि विभिन्न विकल्पों के मध्य बुद्धि मतापूर्वक चयन संभव। माने जो हमारी डिसीजन पावर है ना, वो कौन गवर्न करता है? वो हमारे मूल्य गवर्न करते हैं, जिससे कि हम समझदारी पूर्वक या बुद्धिमता पूर्वक किसी भी चीज़ का चयन कर सकें, कोई भी चीज़ को, कोई भी काम को डिसाइड कर सकें या अपने डिसीजंस ले सकें। मूल्यों के उद्देश्य विशेषताएं करेंगे। मूल्यों की विशेषताएं, सबसे पहला है मूल्य व्यक्तिगत होते हैं। व्यक्तिगत कैसे होते हैं? कि मेरा मूल्य अलग है, वो मेरा है, मैंने बनाया है अपना मूल्य, और आपका मूल्य कुछ और हो सकता है जो आपको अच्छा लगता है या जो आपको लगता है कि ये सही है ना। तो मूल्य कैसे हैं? व्यक्तिगत हैं। मेरा व्यक्तिगत मूल्य अलग है, आपका व्यक्तिगत मूल्य अलग हो सकता है। मूल्य स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं, है ना, क्योंकि आपने देखा होगा लोगों के मूल्य बदल जाते हैं। आज हमारा मूल्य कुछ और है और कल हमारा मूल्य कुछ और हो सकता है, यानी ऐसा नहीं है कि दृढ़ है मूल्य। कई बार सिचुएशन के अकॉर्डिंग मूल्य बदले भी जाते हैं, ठीक है। तो मूल्य जो है, कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो कि स्थायी होते हैं, कुछ मूल्य हम समय के अकॉर्डिंग जो है बदल भी लेते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल लेते हैं। फिर है मूल्य ऐच्छिक और संतुष्टि प्रदान करने वाले होते हैं। मूल्य ऐच्छिक और संतुष्टि प्रदान करने वाले कैसे होते हैं? कि ऐच्छिक माने कि मेरी इच्छा होगी, मैं उसी को अपना मूल्य बनाऊंगी। और संतुष्टि कैसे? कि जब मैं अपने मूल्य को अपनाती हूँ या मेरा मूल्य अगर ऑनेस्टी है, मैं ईमानदारी के साथ में कोई काम करती हूँ, उसका रिजल्ट चाहे कुछ भी आए, लेकिन मुझे ये संतुष्टि हमेशा रहेगी
कि नहीं मैंने अपना काम कर दिया, मैंने अपना काम जैसा करना चाहिए था ईमानदारी से वो कर दिया, अब उसका रिजल्ट कुछ भी आता है मुझे उसकी परवाह नहीं है। तो मूल्य जो है ऐच्छिक होते हैं और हमें संतुष्टि प्रदान करने वाले होते हैं। मूल्य में स्वनिर्माण और विकास करने की योग्यता होती है ना। आज हम जो अच्छे मूल्यों को अगर हम अपनाते हैं तो ऑब्वियस है कि हमारा विकास होता है और हम अच्छी आदतों को अपनाएंगे, हम एक अच्छा इंसान बन पाएंगे। तो मूल्य जो है हमारा स्वनिर्माण करते हैं और हमारा विकास भी करते हैं। जब आप अच्छे काम करते हैं तो आपको एप्रिसिएशन भी मिलता है और आप और मोटिवेट होते हैं, आप और भी अच्छे काम कर सकते हैं। फिर है मूल्यों की तीव्रता प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न होती है। आपने देखा होगा कुछ लोग उसूलों के बहुत पक्के होते हैं, अपने मूल्यों को लेकर बहुत कट्टर होते हैं कि मैं इतने बजे के बाद में खाना नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, ठीक है, या मैं ऑनेस्टी के साथ में ये काम करूंगा तो करूंगा, नहीं तो मैं ये काम नहीं करूंगा। यानी वो बहुत दृढ़ निश्चयी होते हैं अपने मूल्यों को लेकर। लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि समय के साथ में या सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनके मूल्य तुरंत बदल जाते हैं। आज उनके मूल्य कुछ और है लेकिन कहीं से दबाव हुआ, कहीं से कोई और सिचुएशन ऐसी आई या उनका फ़ायदा कहीं और है तो वो तुरंत अपने मूल्यों को बदल देते हैं या चेंज कर देते हैं। उसके बाद है मूल्य निर्देशात्मक होते हैं। निर्देशात्मक कैसे होते हैं, जैसे कि हमने अभी बात की थी कि मैं अपना जब भी डिसीजन लूँगी, मेरा कोई भी डिसीजन होगा तो उसको निर्देश देने वाला तत्व कौन होगा, है ना, मेरे को अंदर से कौन आदेशित करेगा कि नहीं ये काम गलत है, आपको इस तरीके से नहीं करना है, ये आपका मूल्य नहीं है, ये आपके स्तर की बात नहीं है कि आप जो है इस काम को गलत तरीके से करें, ठीक है। तो ये निर्देशात्मक होते हैं, हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है हमारे मूल्यों के आधार पर कि हमें कोई भी काम कोई डिसीजन किस प्रकार से करना है। फिर है मूल्य संस्कृति के परिचायक होते हैं। मूल्य संस्कृति के कैसे, कि मेरे मूल्य मेरी संस्कृति के अनुसार होंगे। अगर मेरी संस्कृति जो है कुछ गवारा नहीं करती है या मेरी संस्कृति कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करती है तो, और मैं कंफर्टेबल नहीं होंगी इस चीज़ों को अपना मूल्य बनाने के लिए, तो हमारे मूल्य हमारे संस्कृति पर भी आधारित होते हैं। फिर है मूल्य व्यक्तिगत निर्माण में सहायक होते हैं। जैसे अभी ऊपर अपना जो है सेल्फ डेवलपमेंट जो है वो करते हैं अपन ने अभी पढ़ा, तो सेम वही पॉइंट है कि मूल्य व्यक्तिगत निर्माण में सहायक होते हैं। व्यक्तिगत निर्माण में कैसे सहायक होते हैं, कि अगर मेरे मूल्य अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, मैं मेहनत करना पसंद करती हूँ या मैं ईमानदारी पसंद करती हूँ तो मेरा डेवलपमेंट उसी प्रकार से होगा और मेरे स्व का निर्माण होगा जो कि बहुत अच्छा होगा, या मैं एक अच्छा इंसान बन पाऊँगी, ठीक है। फिर है मूल्य धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि मूल्य जो है धनात्मक ही हो। धनात्मक यानी पॉजिटिव, यानी कि ऑनेस्टी है, जैसे मेहनत अधिक करना है, है ना, लोगों से प्रेम पूर्वक बात करना, ये सब पॉजिटिव मूल्य हैं। कई लोगों के आपने मूल्य देखे होंगे ऋणात्मक भी होते हैं, यानी नेगेटिव भी होते हैं, कि दूसरों की बुराई करना या दूसरों को कैसे नीचे गिराना या दूसरों का कैसे नुकसान हो, है ना, उनका मोस्ट ऑफ द टाइम जो थॉट प्रोसेस है वो इसी के ऊपर आधारित रहता है। तो मूल्य हम कह सकते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। फिर है मूल्यों को नापा व अध्ययन किया जा सकता है, है ना। अध्ययन कैसे किया जा सकता है, हम ये जज कर लेते हैं ना कि अरे देखो वो बहुत ईमानदार इंसान है, तो आप उसको जो है एक तरह से काउंट कर पाए या उसको समझ पाए तभी तो आप ये डिसाइड कर रहे हो कि वो एक बहुत ऑनेस्ट इंसान है, ठीक है। और इसको अध्ययन किया जा सकता है कि हम किसी के काम से, किसी के जो काम करने के बाद जो रिजल्ट आया उससे, है ना, उसके व्यवहार से हम ये अध्ययन कर लेते हैं कि इस इंसान के मूल्य किस प्रकार के होंगे, ठीक है। उसके बाद है लास्ट पॉइंट है आपका, मूल्य सामान्य तथ्यों पर आधारित होते हैं, जैसे कि स्थान, माहौल, परिस्थिति एक्सेट्रा। मूल्य जो है सामान्य तथ्यों पर कैसे आधारित होते हैं, कि आप किस जगह पर हैं, कहाँ पर रहते हैं, आपकी सराउंडिंग्स क्या हैं, आपका परिवार का बैकग्राउंड क्या है,
आप किस, आपकी अपब्रिंगिंग, आपका जो है, आपको किस तरीके से पाला पोसा गया है, वो किस प्रकार का है, वो सब आपके जो है मूल्यों को निर्धारित करते हैं, है ना। देखिए, कोई बच्चा अगर किसी चोरी करने वाले के या चोर के घर में है, या कोई गलत काम करने वाले के घर में है, जो कि बचपन से इस तरीके की हरकतें देख रहा है, तो वो ये जज नहीं कर पाएगा कि ये काम जो है गलत है। तो कहने का मतलब, जैसी आपकी सराउंडिंग्स होती हैं, उसी प्रकार का मूल्य आपका होता है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मूल्यों के प्रकार।